जेके न्यूज असलम जेके न्यूज के साथ मैं हूं उमारा रियाज आज की हेडलाइंस वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है की तहरीक आजाद ये कश्मीर के लिए तमाम वसाइल लाएंगे। आजाद कश्मीर को करप्शन फ्री माश्रा बनाया जाएगा आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया वजी आजम गैलानी अदलिया के एहतराम में दो बार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और सबक वजी बरकियात चौधरी रुख्तार अहमद ने कहा है की मास्टर यूनिवर्सिटी मीरपुर में तकर्री और तरक्याती मनसूबों में होने वाली मुबैना करप्शन मेरिट की पामालियों का खात्मा और बदयानत वाइस चांसलर को मअतल न किया गया तो मीरपुर में गैर मामूली अवामी तहरीक चलाने का ऐलान किया जाएगा आज़ाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट ताहिर खोखर ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर को खबरदार किया है कि अगर 15 जून तक ट्रैफिक एहलकारों पर तशद करने वाले अफराद और उनकी पुष्प पनाही करने वाले पुलिस के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो वो सख्त एक्शन का सामना करने के लिए तैयार रहें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कोटली के सबक सदर राजा फ़याज़ खालिद एडवोकेट इंतकाल कर गए उन्हें उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया वजीर आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि तहरीक आज़ाद ये कश्मीर ख़ते की तमीरों तरक्की और ख़त् के गरीब लोगों की खिदमत के लिए तमाम वसायल बरोड लाएँगे आज़ाद कश्मीर को करप्शन फ्री माशरा बनाया जाएगा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि तारकिन वतन कश्मीरियों के शहर मीरपुर को आर का जदीद शहर बनाने के लिए हुकूमत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है मीरपुर को रियात का खूबसूरत और मॉडल शहर बनाया जाएगा मीरपुर में मीडिया से गुफ्तू करते हुए चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा के मुतासरीन मंगला डैम के जुमला मसाइल हल किए जाएंगे उन्होंने कहा के इकतदार अल्लाह तला की देन है और लोगों की अमानत है वाम ने इंतबात में जिस एतमाद का इजहार पीपल्स पार्टी पर किया है इस पर सौ फीसद अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है और लोगों के मसाइल बततरीज हल हो रहे हैं उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी की आज़ाद कश्मीर की तरक्की में दिलचस्पी से आजाद कश्मीर में दो मेडिकल कॉलेजों का क्या हो गया है जबकि मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या मरी मुजफ्फराबाद एक्सप्रेस वे की तमीर के अलावा आजाद कश्मीर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू है चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा के मीरपुर में पानी के मसला को हल करने के लिए मुतलका महकमो को सख्ती से कोताही को हर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वजी ने कहा शरीफ में अल अजहर यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बरे सगीर की अजीम इस्लामी जामिया कायम करेंगे आजाद कश्मीर के सीनियर वजी चौधरी यासी ने कहा की पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदिया का कायदे शहीद का अदालती कत्ल हुआ जिसका बाद में ने एतराब भी किया इसके बावजूद हमने अदालतों पर हमले नहीं करवाए वजी आजम गेलानी अदलिया के एहतराम में दो बार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी आईन कानून की सरबराही और जमहूरियत के इसकाम पर यकीन रखती है वकला सोसाइटी का अहम तबका है वो इधारों की मजबूती के लिए काम करें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की सामने है मीडिया से गुफ्तू करते हुए चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पाकिस्तान के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में लोअ टोपा मरी ऐसी मुजफ्फराबाद तक डबल एक्सप्रेस सड़क के मनसूबा के लिए बारह अरब रूपए की खती रकम रखने के साथ साथ मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए रकम रख दी गई है उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर हुकूमत का पहला बजट अवाम दोस्तों तामीर और तरक्की पर मुश्तमिल होगा कोटली में सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से ऐलान की गयी काम सेट की तामीर के लिए जमीन की तलाश जारी है इसी साल यूनिवर्सिटी की तामीर का काम शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक पी 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 हुकूमत अवाम के मसाइल हल करेगी पार्टी मंशूर और इंतहा मंशूर में किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे

सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में गुजता रोज होने वाले इस वाक्य पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें मुबैन तौर पर चंद चंदर अफ़राद ने गाड़ी उठाने वाले फोक लिफ्टर को नजर आतिश करने की कोशिश की और लिफ्टर के ड्राइवर को तशद का निशाना बनाया गया था ताहिर खोकर ने कहा की इस वाकई में एस एस पी डी एस पी मुकामी थाना के एस एच ओ समेत दीगर पुलिस अफसरान मुलजमान की पुष्ट पनाही कर रहे हैं उनका कहना था की वो किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं न किसी कबीले और ग्रोह से उनकी दुश्मनी है वो सिर्फ कानून शिकनी करने वालों के मुखालिफ हैं। इसके बावजूद उनको जती पर संगीन नतज की धमकियां मिल रही हैं। ताहिर खोकर का कहना था कि एसएसपी मुजफ्फराबाद उनसे बिल्कुल आबाद नहीं कर रहा जिसकी वजह से ट्रैफिक का ये प्रोजेक्ट चलना मुश्किल हो गया है ताहिर खोकर ने हुकूमत और इंस्पेक्टर जनरल पोलिस को खबरदार किया है की कि अगर पंद्रह जून तक उनकी वजारत की निगरानी में ट्रैफिक का निजाम बहाल रखने वाले एहलकारों आरोप तशद्द करने वाले अफराद और उनकी पुष्ट पलाही करने वाले पुलिस के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो वो सख्त कार्रवाई करने के अलावा शदीद एहतजाज भी करेंगे मुझे भी धमकियाँ दी जा रही हैं ठीक है जी बर रास्त धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप शहर के अंदर इस तरह कानून पर अमल दरामद करवाने से बाध रहें वरना आपके साथ भी कोई वाक़ हो सकता है पंद्रह तारीख तक का नोटिस दिया है कि अगर आई जी साहब ने और हुकूमत ने इस पर एक्शन ना लिया और उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ना की जो इन मुलमान की पुष्पनाई करते हैं तो फिर इनशालाता हूँ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और सबक वज़ी बरकियात चौधरी रुख्सार अहमद ने कहा है कि मस्क यूनिवर्सिटी मीरपुर में तकर्री और तरक्याती मनसूबों में होने वाली मुबैना करप्शन मेरिट की पामालियों का खात्मा और बदयानत वाइस चांसलर कोतल ना किया गया तो मीरपुर में गैर मामूली अवामी तहरीक चलाने का ऐलान किया जाएगा चौधरी रुखसार अहमद ने इल्जाम आये किया कि मस्ट के वाइस चांसलर लाखों रुपए रिश्वत लेकर ना अहल और सफारसी लोगों को भर्ती करके मीरपुर के आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के का कत्लेआम कर रहे हैं कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में से गुफ्तु करते हुए उन्होंने कहा कि मीरपुर और खड़ी शरीफ के पेशावर सियासी मुसाफर वाइस चांसलर से इन तकरियों में बाकायदा हिस्सा वसूल करते हैं चौधरी रुखसार अहमद ने कहा के बैरिस्टर सुल्तान महमूद मीरपुर के हकूक की पासदार की बजाय यूरोप की रंगीनियों में मसला कश्मीर उजागर करने में मसरूफ हैं, जो मीरपुर के हकूक की बजाय के पे रोल पर सियासत कर रहा है उन्होंने कहा कि जिला मीरपुर में मनशात फ्रोशी और जुए के अड्डों की सरप्रस्ती कर रहे हैं खड़ी शरीफ में मनशात का, का कारोबार इस कदर बढ़ चुका है की इलाका खड़ी शरीफ सोहराब गोठ में तब्दील होकर रह गया है चौधरी रुखसार अहमद ने कहा की खड़ी शरीफ में बदतरीन धांधली ऐसी हादसाती तौर पर वजारत हासिल करने वाले वजीर ने न सिर्फ महकमे बर्कियात को

आज जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिला कोटली के सबक सदर और मरूफ कानूनदान राजा फयाज खालद एडवोकेट तवील अलालत के बाद गुजश्ता रोज इंतकाल कर गए थे उनका चौकी से था राजा फयाज खालद पंजाब यूनिवर्सिटी में कश्मीर स्टूडेंट्स काउंसिल के चेयरमैन रहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिला कोटली के सदर के पर भी फायद रहे उनकी नमाज जनाजा कोटली में अदा की गयी नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं वकला ताजर बरदरी के नुमाइंदों सहाफियों और डॉक्टरों समेत तमाम मकतबा फिक्र ऐसी ताल्लुक रखने वाले अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की

सबको होती हैं उनसे माफ़ करे और उन्हें अदा करेगा था डिप्टी स्पीकर आजादली शाह ने कहा है की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इकतदार में आके अवाम का इस्ते और गरीब अवाम का खून चूसने के साथ साथ बरादरी और ख़ानदानों को लड़ाकर सियासत की शाहीन डार ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इकतदार में आकर कौमी खजाना पर बोझ बनी रही और अवाम का कोई काम न कर सकी और खत्म में बेरोजगारी अकर सकी उन्होंने कहा की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर में तालिमी को ठेका पर दिया गया बाघ में एक जलसा ऐसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा की पीपल्स पार्टी तालीमी निजाम को बराबरी की बुनियाद पर ला रही है जलसा ऐसी सरदार जयाउल कमर फोजिया हबीब फहमीदा जमीर

चौधरी हक नवाज एडवोकेट और दीगर ने भी खिताब किया उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा बजट में 6000 हजार ऐसी मुलाजमतें देगी हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ताकत का सरचमा अवाम है मोहतरमा ने कहा हम इंतकाम पर यकीन नहीं रखते खातिन के मसाइल बखूबी जानती हूँ उन्होंने कहा की पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान सियासत में आई है पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान के नारे आरोप अमल करते हुए गरीब आवाम को मुहैया कर रही है चेयरपर्सन ऑल पाकिस्तान पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन और, और मेंबर कौमी असेंबली मोहतरमा फरियाल तालपुर ने मर्कजी चेयरमैन पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन अली एडवोकेट को पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का मरकजी कोऑर्डिनेटर नामजद कर दिया है मोहतरमा फरियाल तालपुर ने आजाद कश्मीर के अंदर पीपल्सेशन को मन फल सातराफ करते हुए साहिब दादा अली को People's Youth पाकिस्तान का मरकजी कोआर्डीनेटर नामजद कर दिया है नए मनसब पर फायज होने के बाद चेयरमैन पीपल्स यूथ आर्गनाइजेशन आज़ाद कश्मीर साहिबजादा ारली एडवोकेट ने खूसी बातचीत करते हुए कहा की क्या ने जो एतम किया और भारी जिम्मेदार सौंपी है जहां ये मेरे और आजाद कश्मीर भर के नौजवानों के लिए एक एराज की बात है वहां वहाँ का आजाद कश्मीर की यूथ लीडरशिप पर बेपनाह एतमाद का एतम है उन्होंने कहा कि हम अपनी तमाम तर सदत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे में महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की अपने मुतालबात के हसूल के लिए हड़ताल सेक्रेटरी मालियात आजाद कश्मीर के खिलाफ मुलाजमीन की नारेबाजी हड़ताली मुलाजमीन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल स्केल पांच से स्केल सात में अपग्रेडेशन पर महकमाना तौर पर तस्लीम शुदा है जबकि महकमा मालियात ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और सी आई एस पी प्रोग्राम में जुमला मुलाजमी की कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुई असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, एस डी ओ जिले दफ्तर लोकल गोर्नमेंट शहजादी राजा टिक्का खान अब्दुल वहीद मोहम्मद इकबाल शमीम अरशद इनाम जराल बाबर हुसैन वसीम मंजुम मोहम्मद हनीफ जराल साकीब खुर्शीद मोहम्मद रजाक सरफराज हुसैन मोहम्मद अंसर मोहम्मद शबीर

फरवरी 2011 को महकमा की जानब से जो है वो गवर्नमेंट को मुबारकबाद दी गई और उसमें जो है गवर्नमेंट ने मुबारकबाद वसूल की लेकिन ताल महकमा मालियात की जानब से जो है वो महकमा को नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं अपील करते हैं कि फौरी तौर पर सेक्टर यूनियन कोंसिल जो है उसका सकेर सात का बल्कि बी नाइन का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसके साथ इस पी प्रोग्राम में जितने मुलाजमी हैं उन्हें कन्फर्म किया एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जडयाल चौधरी खालिद महमूद भलोट की बेटी की शादी बरतानिया के शहर लीड्स में हुई शादी की तकरीब चौहरी खालिद महमूद भलोट के फार्म हाउस पर मुनदिद हुई जिसमें अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की शादी की तकरीब में सबक मेम्बर कश्मीर कौंसल चौधरी अब्दुल हमीद पोठी मशीर हुकूमत आजाद कश्मीर राजा शौकत हालिक सबक लॉर्ड मेयर चौधरी रंगजेब सबक मेयर राजा गजनफर खालिक पीपल्स पार्टी नार्थ बरतानिया के सदर चौधरी मोहम्मद मालिक मुशीर आजाद हुकूमत चौधरी हकनवाज कौंसलर जावेद अख्तर लीड्स कौंसलर गुलाम हुसैन कौंसलर रिजवान मालिक डडयाल की डाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी शाहिद इकबाल गुजर डिप्टी कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद उमर के अलावा सैकड़ों दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत की शादी की तकरीब में आए हुए मेहमानों के लिए रवायती अंदाज अपनाते हुए गरम गरम ताजा जलेबी ने शादी की तकरीब को चार चांद लगा दिए तकरीब में आने वाले मेहमान फार्म हाउस में रखे हुए पालतू कबूतरों मुर्गियों चकोर लामे और हिरन को देखकर खुश तो हुए मगर बारात आने पर ढोल की आवाज सुनकर मोर मियां ने जो करतब दिखाए उनका जवाब नहीं है और अब

It was mainly the Pakistani team that was uh, leading. I think uh, the, for the, the the young guys, they performed very well. Uh, I would say that uh, your team, the, the Pakistanis, are just a little bit uh, faster, and uh, obviously used to to play with each other. And you can see that there's more uh, cohesion in the team. And uh, I'm glad that uh, they are here. Uh, I must say that uh, it's uh, it's very nice to have an uh, international team uh, coming over to Temse. Uh, I think uh, Thames plays uh, good hockey um, because it's not their real team. There are a lot of boys who are studying, and the Pakistan uh, team uh, plays well together. I think they find each other well on the pitch. So yeah, I think the Pakistan is uh, way better, but I think they can do even more better than what they are showing us now. Rapid hockey team ke captain Tanveer hockey team ki karte kaha ke team it's very obvious. Uh, they were a good team. It's obvious they've been playing uh, together for a long time. Uh, they also find each other very well on the field. They're also very good in stopping high balls, low balls. And with us, we had a couple of uh, people from our first team that weren't there. But uh, I think it's just the fact that they were a complete team. And of course, uh, they were fast. They were just a good team. And for us, it's hard to, to beat a team like this. And uh, I hope they will come back so uh, that we can play them again. मोहम्मद सलीम आप पाकिस्तानी डार की टीम के कैप्टन हैं आपको कैसा लगा इस जीत पर हाँ बिस्मिलीम सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शिक्र अदा करूँगा कि अल्लाह जीत का जो कि आज़ाज़ दिया उसके बाद मैं ये अपने कोचों का शुक्र अदा करूँगा जिनकी इतनी अच्छी ब्रीफिंग के साथ हम जीते आप क्या समझते हैं कि आपकी हॉकी टीम में ऐसे लड़के मौजूद हैं जो पाकिस्तान की कौमी टीम में खेल सकते हैं जी बिल्कुल क्यों नहीं पाकिस्तान की हॉकी टीम में इनशाला हमारे पास लड़कों का बहुत टैलेंट है अकेडमी में तो इन आई होप अगर अल्लाह ताला ने चांस दिया तो ये ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे जैसे कि पाकिस्तान का पहला नाम था दुनिया में हॉकी की फील्ड में तो इन अगर अल्लाह ने मौका दिया चांस दिया तो ज़रूर इनशाला हमारे लड़कों में इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान का एक मरतबा फिर नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात मेंसर करके हम पाकिस्तान हॉकी का खोया हुआ वा मकाम वापस दिला सकते हैं इमरान बेग जे न्यूज़ टेम्स बेल्जियम इसी के साथ आज खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू हर खबर और असर